नमस्कार, मैं रजनीश, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे देश विदेश की टॉप 50 न्यूज की। यूपी में अब गर्भवती महिलाओं को ऑफिस नहीं जाना होगा, दिव्यांग कर्मचारियों वर्क फॉर होम पे रहेगी सुविधा। पटना के 53 केंद्रों पर आज से लगेगा 18 से अधिक उम्र वाले को टीका। सिलीगुड़ी में एम्बुलेंस रैली, एम्बुलेंस ड्राइवर बोले कोरोना से घबराए नहीं बल्कि सावधान रहे, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। काबुल में आतंकी हमला, स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट, अब तक 45 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। सिसोदिया ने कहा केंद्र दिल्ली में सुनिश्चित करे कि दिल्ली में हर रोज कम से कम 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो। मऊ में लैब टेक्नीशियन ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पे चढ़कर एक घंटे किया हंगामा, परिमिका सामने आई तो कूद कर दी जान। जॉर्डन की दी जर्सी नीलामी हुई, 10 करोड़ में बिकी बास्केटबॉल दिग्गज की 39 साल की पुरानी जर्सी। कोरोना दुनिया के पिछले 24 घंटे में 7.83 लाख केस आए, 13,000 से ज्यादा की जान गई। मोदी ने 4 राज्यों में सीएम से की चर्चा, पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड में जाना कोरोना का हाल। कोरोना की दूसरी लहर पीक पे, सरकारी आंकड़े फैल, एक्टिव केस 48 लाख होंगे तब आएगा दूसरा पीक। जेल में आजम खान की सेहत बिगड़ी, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर लखनऊ के मेदंता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हेमंत बिस्वा होंगे असम के नए सीएम। जून से शुरू हो सकता है बेड बैंक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में की थी घोषणा। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की डेट फिलहाल टली। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर, सरकारी आंकड़े फेल, एक्टिव केस 48 लाख होंगे तब आएगा दूसरा पीक। लॉकडाउन के बाद ऑक्सीजन पे बोले राहुल, देश को पीएम आवास नहीं सांसें चाहिए। अयोध्या से बीजेपी सांसद के बेटे की शादी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। धोनी की कप्तानी वाली सीएसके ने 450 ऑक्सीजन सिलेंडर तमिलनाडु सरकार को सौंपी। बैंक नोट प्रेस ने विभिन्न 135 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, 12 मई से आवेदन कर सकेंगे छात्र। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए हर माह 7 लाख वैक्सीन की मांग की। दिल्ली में 17 मई तक का लॉकडाउन, इस बार मेट्रो भी बंद। 26 दिन बाद सबसे कम केस, केजरीवाल बोले जान है तो जान है। गांगुली बोले आईपीएल रद्द होगा तो बोर्ड को 2500 करोड़ की नुकसान होगा। आईपीएल टीम के खिलाड़ी चेतन सकारिया की पिता का कोरोना से निधन। केजरीवाल ने कहा दिल्ली को 2.60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत, अब तक 40 लाख डोज ही मिले। 3.5 साल बाद 3 मिनट बोले लालू यादव। वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो का ऑक्सीजन लेवल गिरा, बोले तबियत ठीक होने पर आएंगे आपके बीच। महावीर मंदिर के अस्पताल में भी कोरोना का इलाज, 40 बेड के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में सरकारी रेट पे होगा इलाज। केजरीवाल के मंत्री इमरान के घर 600 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए हर माह 7 लाख वैक्सीन की मांग की। दिल्ली में 17 मई तक का लॉकडाउन, इस बार मेट्रो भी बंद। 26 दिन बाद सबसे कम केस, केजरीवाल बोले जान है तो जान है। ऑक्सीजन के अभाव में दोस्त ने दौड़ा तंग, दारा ने 1 करोड़ से लगवाए ऑक्सीजन के 2 प्लांट। कानपुर में भूख मिटाने के लिए युवक ने सड़क पे फैला दूध पी गया। यूपी में वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है सरकार, 2 हफ्तों में दिल्ली के 9 अस्पतालों के पास होगा अपना ऑक्सीजन प्लांट। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा। यूपी में बीजेपी विधायक अपनी बीमार पत्नी को नहीं दिला सके बेड। ममता बनर्जी ने कहा मदद के लिए आ रही दवाई और मेडिकल उपकरणों की टैक्स को हटाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मुख्तार अहमद का कोरोना से निधन। शहरों में अंतिम संस्कार मुफ्त, गांवों के लिए 5,000 रुपये देंगे योगी सरकार। ऑस्ट्रेलिया मीडिया का दावा, कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा है चीन, इसे जैविक हथियार के तरह इस्तेमाल करना चाहता था। आईपीएल फेज 2 का इंग्लैंड समेत 4 देशों से मेजबानी का ऑफर। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर लोन देने में आनाकानी कर रही है चीन, इसे इस कर्ज में डूबने की आशंका। रिलायंस रिटेल दुनिया की तेजी से बढ़ती दूसरी रिटेलर बनी। अमिताभ बच्चन बोले कोरोना से लड़ने में भारत की मदद करें, खुद भी कोविड केयर सेंटर में डोनेट किए 2 करोड़ रुपये। कोविड-19 को हराने के लिए विराट और अनुष्का ने 2 करोड़ दान दिए। कोरोना के नए केस में महाराष्ट्र के बराबरी पे कर्नाटक। हिंद महासागर में गिरा चीन का 21 टन की वजनी रॉकेट। इंग्लैंड में हो सकता है आईपीएल की बाकी सीजन। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने लिखा योगी को खत, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। कंगना की पोस्ट इंस्टाग्राम ने भी हटाई। इजरायली एम्बेसडर बोले कोरोना वायरस बेहद संदिग्ध, भारत ने जो हमारी मदद की है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ग्रेट इंडिया न्यूज को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।